लेकिन सुन ना, मेरे को तो सच में आ रही है हंसी, लेकिन मैं हंस नहीं हूँ क्योंकि वो सीरियस है। हम जा रहे हम लोग एक जगह पे, आज एक्चुअली हमारा प्लान बना था। अरे जितने फूड ब्लॉगर थे वो सर अपनी जो बटर डाला है, फिर आप किसका नहीं और क्या डाली हरी चटनी। आज हम लोग मिलके प्लान बनाए हैं कहीं दो जगह जाने का, दो नहीं एक्चुअली कई सारी जगह जाने का, लेकिन जगह अलग अलग लोग चूज करेंगे। जो पीछे दो जन दिख रहा है ये, अभी हम लोग जा रहे हैं जगह पे जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, ये दो जन चल रहा है मेरे साथ, और फाइनली रिवील करते हैं वहाँ की मेमोरी। दोस्तों मैं चापा चलेगा बताओ, वो खड़ी है पैर आगे करके बेचारी। अबे यार मेरे को और तेज आ रही है। आया आया आया। ऐसे लोग हैं जो सफेद आ जाते हैं बरसात के मौके। मैंने हेल्प नहीं किया होगा तो वो चलता भी। तूने क्या हेल्प किया? वो हाथ लगाई वहाँ पे, जब पानी ना आया ना तो प्रेशर रोकने के लिए उधर हाथ लगाना पड़ा। ई कॉमर्स के साइंटिस्ट लोग। ये है दोस्तों जो हम देखने आए हैं आज, बिरला हाई स्कूल। यहाँ कितने साल बाद आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 2016 में हमने एग्जाम दिया था यहाँ पे। और ये वाली जो जगह है सामने, अच्छा पहले इन लोगों का इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये है तबसुम, वो है उसको तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे खड़े होकर हम लोग बात कर रहे थे एक बार, मेरे को याद है टीचर ने बोला तो कुछ कर नहीं पाया। मैथमेटिक्स का पेपर 2015 में हालत खराब कर दिया था सबकी, इतना टेढ़ा पेपर आया था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। CBSE बहुत टफ पेपर सेट किया था 2015 में, और यहाँ पे खड़े होके गुट बना के सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले साल का कठिन आया था, इस साल आसान आएगा। और मैं अकेला था जो मैंने बोला कि यार मेरे को लग रहा है पैटर्न चेंज हो गया, पिछले साल टफ था तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली टफ ही होगा। सब मेरे पे भड़कना चालू कर दिया। और एक्चुअली 2016 का पेपर भी बहुत टीडियस आया था, मुझे याद है बहुत सारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा था कुछ कुछ सवालों में। और मेरे बगल में जो लड़का बैठा था, मेरे का अच्छे रखा दूर बैठा था, मैं उसका नाम मंजीत नाम था, आई डोंट नो वो देख रहा है कि नहीं। तो मंजीत को मैंने बोला मंजीत, वो मेरे तरफ घूम के देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर, उसकी आंखें लाल हो गई थी पूरी। तो मैथ्स का पेपर ऐसा था, बाकी फिजिक्स के पेपर में भी बहुत सारे डेरिवेशन और वो सब आते थे। तो मैं पूरे रास्ते, मुझे याद है मैं कॉपी में डेरिवेशन रिवाइज करते करते आ रहा था। और सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम था, हम लोग यहीं से घुसे थे सब लोग। आई होप जो मेरे फ्रेंड्स हैं देख रहे हैं उनको याद आई होगी बिरला हाई स्कूल की। पूरा क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर थे, एवरी डे हम यहीं आते जाते थे, और लास्ट डे जो भी पेपर था याद नहीं है वो ख़त्म करके मैं और ये हम लोग घबरा रहे थे। सबको मैथ याद है, नाम बीप कर देना। हाँ 35 साल का एक्सपीरियंस समझाती थी, पांच पांच बार बुला के प्री बोर्ड लेती थी, कुछ काम नहीं आया। प्रेडिक्ट किया था ये आएगा, ये तो आता ही आता है, जब पेपर आया तो एक भी नहीं था एक्चुअली। मतलब वो क्वेश्चन सब रोए थे उस पेपर के बाद, क्वेश्चन रिपीट होना तो छोड़ दे क्वेश्चन का पैटर्न। हां वही मैं भी वही बोल रहा हूं, वाले हो गए फील भूला फील। अच्छा तेरा तो मैथ्स था ही नहीं ना? और मैं पेपर लिख रहा हूं, मेरे से एक मतलब एक बेंच आगे डायगोनली अभिषेक पटनायक बैठा हुआ और मेरा पेपर बता और पीछे थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा टीचर ने अनाउंस कर दिया कि 10 मिनट्स लेफ्ट, 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन बाकी हैं, 30 मार्क्स का वेट है, मतलब कर लूं या पास हो जाऊंगा। मैं लिख रहा हूं हैंड्स टू किए जा रहा हूं, और पटनायक मेरे को बुलाया गया पटनायक। एक बार मैं पेन रख के लग क्या है, मतलब मेलेडी थी चॉकलेटी की। आखिरी 10 मिनट है पेपर को, उसका पेपर हो गया, वो साले ने लाया भी होगा ना, वो 90 प्लस लाया था। मेरा मन किया कि पेन लेके फोन रखते हैं उधर, गया पर चला फोन गया। ट्वेल्थ में याद है बोर्ड के लिए कितना सैंपल पेपर दिए, फलाना इतना चीज सॉल्व, पर मेरे को यहाँ पढ़ाई नहीं याद आएगा। और क्या किए क्या थे, ये वाला जो एरिया है पता नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे। और ये
ये एरिया भी एक्चुअली अच्छा है ना। तो ये सार्केज्म में बोल रही है लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ। दोस्ती भी हाँ। और यहाँ से हम लोग अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन के लास्ट डे अपने स्कूल से नहीं यहीं से निकले थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो यहीं पे हो रहा था ना। अच्छी मेमोरीज थी यहाँ पे, कई सारे ऐसे लोगों के साथ भी जिनसे हम फिर स्कूल के बाद मिले ही नहीं, 5-6 साल हो गए। तो भी अगर देख रहे हैं तो लाइक करते हैं, लाइक तो वैसे सब लोग करते हैं वीडियो को। चीज़ तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नॉर्मल बिल्डिंग है, हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में बहुत अच्छा है, बहुत इतना बड़ा ग्राउंड और इतना स्कूल की भी जो बिल्डिंग है हालत चाहे जैसी भी हो लेकिन स्पेशियस तो बहुत ज्यादा है। स्कूल वाला ब्लॉग मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं और ये गए थे, ये पता नहीं कहाँ थी उस समय, मैं घर पे थी, किसी ने इनवाइट नहीं किया था मुझे। एक्चुअली वही वाला ब्लॉग देख के बहुत लोगों से वापस बात होनी शुरू हो गई। तभी तो बर्तन से ज्यादा मेरे को लगता है मेरी और तेरी बात भी तभी होनी शुरू। पता है दोस्तों मैं और ये कभी स्कूल में बात नहीं, मेरे को लगता था बहुत खड़ूस टाइप की लड़की, मैंने इसको कभी हंसते हुए भी नहीं देखा था स्कूल में। हम लोग अलग अलग सेक्शन में थे, मैं और बर्तन एक सेक्शन में थे। ये हमेशा इसका ना स्ट्रेट फेस ही रहता था हमेशा, मतलब यार ये कैसी है यार। जब अब पता चला तो पता चला दूसरा ही साइड है। का भाई मारता पीटता रहता था हमको केस में, नहीं भाई सुन ले, 2-3 महीने में एक बार मारता था। भाई देखेगा ये नहीं ये अब देखे एकदम सीरियसली बोल रहा मेरे को आके ना रे, डर भूल गया पूरा। हाँ हाँ डर वाला वीडियो ले, बोल रहा है सब डर और भूल गया है। सुन तो मेरे को तो सच में आ रही है हंसी, लेकिन मैं हंस नहीं हूँ क्योंकि वो सीरियस है और मेरे को मारने में बड़ा बुरा मारेगा। बंदा हट्टा कट्टा है, उसके साथ भी इक्तिशान शिवा पड़े सब पता नहीं भी? इनको लग रहा है कि ये मार। आप किस किस जगह पसंद की जगह पे जाना है? वर्धन, मेरी कोई पसंद वाली जगह ही नहीं है। चलो वर्धन, ये इस गोला से नहीं है दूसरा गोला से आई है। Yes. Heading to second place. हाँ, so, जो सामने बैठा जो बंदा है वो जानता है कि कहाँ लेके जा रहा है। So, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, चल पहुँच के बताता हूँ। गजब बेइज्जती है, कहीं ना कहीं से तो लेना देना आई जाएगा। जा मैं लेना देना लेके आऊंगी। एटीएस यहाँ पे था, अच्छी है वहाँ की चाय और समोसा कचौड़ी वगैरह बहुत अच्छी है। अभी तो एक्चुअली चाय पी पी के मेरा पेट भर गया है। तुझे पता है स्कूल के कैंटीन में चाय नहीं मिलती थी, हमारे सेक्शन वाले मिलके वहाँ पे चाय खोलना हमने शुरू करवाया, अभी भी चाय मिल रही है। सब है लेकिन सेक्शन ए ज्यादा अच्छा था। एक्सक्यूज मी, सेक्शन बी रॉक्स? सेक्शन ए में बस एक प्रॉब्लम था, सेक्शन ए में एक प्रॉब्लम था, हमें सेक्शन बी उतनी सेक्शन ए में उतनी यूनिटी नहीं थी। हाँ। बस यही एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज तो क्या फायदा। हम ए थे भाई, क्या फायदा, ए होके क्या फायदा, बी वाज ऑलवेज ऑन टॉप। इंडिविजुअली हम बेटर थे, एक्सक्यूज मी, मार्क्स हमारे बेटर आए थे। डजंट मैटर क्या मार्क्स लेके कुछ चार्ट रहे हो तुम लोग? नहीं, नॉलेज लेके तो कर ही रहे हैं। हमारे क्लास से भी कुछ कुछ पढ़ाकू लोग, कौन थे बोल, एक नाम बोल, नहीं था विश्वदीप था, प्रीतम था, रुद्र, विश्वदीप का सुना है मैंने कि ये लोग बहुत अच्छे यूनिटी नहीं थी, मैं पढ़ाई के मामले में किसी और सेंस में बोल रहा था। रुद्रनील 11th 12th में हमारी क्लास में आ गया था और बंदा था, तो अगेन अब हम वो नहीं करने वाले कौन पढ़ाई में अच्छा था कौन नहीं था, और भी चीजें मैटर करती है ये स्कूल से निकलने के बाद पता चला, जैसे कि बहुत सारी चीजें, एनालिटिकल स्किल्स मैटर करते हैं, डिबेटिंग स्किल्स मैटर करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स मैटर करते हैं, डिबेट मतलब डिबेट करना तो मतलब मेरा भी एक अच्छा स्किल। मैंने आज तक स्कूल में नहीं किया, तूने किया? मैंने किया डिबेट, मैंने कभी नहीं, मेरा मैंने 2-3 बार किया था, मेरे को मजा आया था यार ये तो अच्छा ये कर सकते हैं, तभी शायद यूट्यूब चैनल भी खुला मेरा, डिबेट करने के लिए नहीं बट स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए। और कहानी की दोस्तों जहाँ तक बात है, कहानी में मैंने वही जो लास्ट वीक वाली कहानी सुनाई थी वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मैं बोल चुका हूँ, मैं उस वीडियो का भी लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वीडियो प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे गजब स्कूल में हुआ था जो हमारी हिंदी वाली मैम थी, एक दिन सब लोग बैठे हुए मैम बोल रही है पोयम हो गया, कहानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो गाना गाओ। अब भाई गाना गाओ, सब हम दोस्त लोग सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, गाना गाओ तुम लोग का हुआ था ये चीज? कमलेश नहीं थे इनको हमारे में, कमलेश ने कभी नहीं। अब गाना गाना है,
अब फिर कोई कुछ संतोष गया था बेवफा शशांक का जब टर्न रुक ना पहले अपना बता सी पहले बंद कर दे कैमरा ये तो रुक रुक मैं बोल रहा हूँ रुक मैं बोलूँ फिर तू बोलना चंद्रवर्धन का आया चंद्रवर्धन साड्डा गाना शुरू बोल रहा है ओ इको फ्रेंडली और ये सारे जो सारे बीट सारे म्यूजिक सब ओ इको फ्रेंडली फिर डूम डूम ये है ना बीट अब ये क्या मुंह से करेगा तो अजीब लगेगा तो चुप हो गया उसका नेचर के रक्षक फिर चुप हो जा रहा है दो चार लाइन गा रहा मुझे क्या गा रहा है सबके साथ अपॉइंटमेंट फिर करके फिर करके शशांक का जो शशांक एक गाना तो सुबह होने ना दे सुबह होने ना दे शशांक ये गा मैं तो होट लग दी अबे ये नहीं था रुक मैं बता रहा हूँ सुबह होने ना दे मैं वो मुंबल कर रहा था साफ साफ तो एक लाइन ही था बाहों में आंसू बस आज रात उसके पहले वाला लाइन याद हो वहां तक गाया फिर देख रहा भाई अगला लाइन गलत चुप हो गया उसके बाद मैंने समबडीज नहीं गाया था एनरिके का और मैं पहले कंफर्म कर लिया था इंग्लिश गाना गा सकते हैं कि नहीं कहीं मैम ये ना बोले हिंदी हिंदी की मैम थी ना क्या इंग्लिश में गाना गा रहा है बैठ चुपचाप लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे गला देखना है बस अबे ये डाल मत ब्लॉग में बहुत लोग स्कूल को बोलेंगे कि ऐसा स्कूल था क्या हुआ वर्धन का एक बार क्या हुआ था मालूम है ऊपर से सीढ़ी से उतरा था बच्चे प्राइमरी वाले बच्चे नहीं खड़े होते थे जहाँ पे वो आप बीच में घुस गया और ये कॉन्फिडेंस में कि मैं तो बड़ा हूँ वहां से आ रहा है रीना मैम बोल गई मैम थी वो अचानक इसको बीच में रोकी उसका उनका हाथ भी प्रॉपरली इसके गाल तक नहीं पहुंच रहा था उसी में दो थप्पड़ मार दिया पहुंच गए हैं दोस्तों कहीं तो ये रास्ते मैंने हमेशा बस से देखे हैं और कभी उतरा नहीं हूं मैं यहाँ पे आ रहे भैया तीनों नींबू पानी है मोहितो किसका तेरा बड़ा आदमी भाई मोहितो ही तो पीता है मोहितो ब्लैक कॉफी अमेरिकानो चाय वो समझता भी नहीं है स्कूल आते जाते रेगुलर कस्टमर था यहाँ का डलहौजी यही एरिया है आगे ना इसमें नहीं जाना है ना नहीं इसमें नहीं जाना वो सीधा दिख रहा है वो रामकृष्णपुर घाट है शशांक ऐसी ऐसी बात करता है वो तो उस वाले ब्लॉग में बोला था मैं रंग शरबतों का बाबू घाट का पानी क्या बोला वो नहीं एक बार जब पहली बार मेरे घर पे आ रहा था शशांक तो मेरे घर के पास मेट्रो है ना तो मेट्रो के नीचे पानी है तो जब टॉलीगंज मेट्रो क्रॉस की बोला भाई जानता है हमको लग रहा था ना कि रोलर कोस्टर ऐसा चलाएगा करके फाइनली मारेगा पानी में बोले ये क्या है मेट्रो कहाँ है मेट्रो में पाया लेकिन मेरे माइंड में पता नहीं क्यों इतने दम वाली क्वेश्चन आती है कि करंट क्यों नहीं लगता क्यों पानी कहाँ है नीचे है ना पानी अंदर कैसे लगेगा कितने सारे इंसुलेटर हैं प्लास्टिक पे तो बैठी हुई व्हाट आई सेड बोलने से पहले डम क्वेश्चन अच्छा बचपन की बात है नहीं अभी भी वही डम क्वेश्चन आता है आई एम नॉट दैट वेरी स्मार्ट हम बाबूघाट से एक लॉन्च पकड़ के हावड़ा है फिर हावड़ा में दोबारा टिकट लिया अब जा रहे हैं वापस बिकॉज़ ऑफ चंद्रवर्धन हाँ नहीं खैर इसको झूठ बोलना नहीं आया बस दोनों टिकट है वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक ही किया है लोग अप्रिशिएट करेंगे रिटर्न टिकट का कंसेप्ट ही नहीं होता यार मैं बता रहा हूँ ना ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको मैं पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझता था ये फ्लोटल होटल है काफी अच्छा है इसको भी किसी दिन ट्राई कर सकते हैं कुछ कॉटन कैंडी टाइप का कुछ था उसके मुंह पे ही बोल दिया था बैक टू बाबूघाट वहां से हमने एंट्री ली थी और उधर गए थे हम और फिर आए इधर से दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं इसमें क्या नाम है इसका जय जवान ना हमेशा ये दुकान मुझे बंद ही दिखती थी पर आज मुझे पता चला यहाँ बहुत कुछ मिलता है और जय जवान इसी का नाम है मतलब इसी रेस्टोरेंट का नाम है स्टॉल का नाम है और यही हम अभी स्कूल के पास ही हैं बस कुछ कदम आगे ही स्कूल है और ये पूरा स्कूल का कंपाउंड है
मैंने ऑर्डर किया है दोस्तों पाव भाजी और इन दोनों जन का है चिकन रोल बन रहा है विद फ्राइड ऑनियन। बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, तेरा क्लेम है निजाम से अच्छा बनता है। आई डिड नॉट से दैट बट आई लाइक इट। शर्मा क्यों रहे हो? फूड ब्लॉगर बन रहे हो, अच्छे से बनाओ। शर्मा नहीं रहा हूँ बे, घर आ मैं। लेकिन टेस्ट काफी अच्छा है, काफी बंगाली टेस्ट है, खास करके कलकत्ता के हिसाब से। कलकत्ता में अधिकतर जगह अच्छी पाव भाजी नहीं मिलती है। एमजी रोड में भी बहुत फेमस पाव भाजी वाला है, मेरे को बेकार ही लगा उसका पाव भाजी। ये उससे बहुत अच्छा, 8 या 9 out of 10 दूंगा मैं। बताइए मैडम कैसा है रोल यहाँ का? रेगुलर कस्टमर हूँ, तू बता। लेकिन निजाम बेटर होता है वे, निजाम का एक चिकन रोल तू एक बार खा के देख। कीटो? नो। तो? डाइट। वो तोड़ता है। बोल बोल फिर से बोल। कमाक्षी मैम लेवल में केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। थोड़ा जोर से बोल बे। कमाक्षी मैम लेवल में केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। हाँ। यहाँ पे बहुत कर रहे हैं। आगे बोलना। कमाक्षी मैम लेवल में केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। और आइस पाम का केमिस्ट्री मैं पता नहीं चला रहा था। बोली कि ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, मैं बोला था बस पकड़ के। कोई सेंस है इस बात की? एक बार हम लोग ऐसी क्लास में बैठे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास चल रही थी, तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। बेंजीन रिंग बनाते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके ऊपर CHO लिखा हुआ था और मैम पढ़ाई जा रही है ये यहाँ पे रिएक्शन रिएजेंट ऐसे काम करेगा ऐसे करेगा, कहीं चुपचाप बैठा हुआ है। मेरे को बोल रहा है भाई जानता है क्लास में बहुत तो होंगे ना जो, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी वो तो तेरे पाथफाइंडर में हुआ था ना। मैं बोला था क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उसको ये नहीं पता होगा मैम ने गोल गोल क्यों बनाया। बहुत लोग होंगे क्लास में जो समझ नहीं पा रहे होंगे गोल गोल क्यों बनाया मैम। और इसके पाथफाइंडर में एक लड़का पूछा था, CHO लिखा था उसके ऊपर, क्या है भाई CHO CHO लिखा हुआ था। और मैं भी प्रिपेयर नहीं था टेस्ट के लिए, वो भी प्रिपेयर नहीं था। बारिश वरिश हो रही होती थी क्लास में, नहीं प्रेयर होता था, प्रेयर हो रहा है। अब पता नहीं एक वर्धन क्या गलत किया, क्या किया अपने बेंच के ऊपर खड़े खड़े होकर प्रेयर गा रहा है, मैम आके इसको मारना शुरू कर दी। दो तीन थप्पड़ इसको मारे और जनरली मान ले कोई प्रेयर कर रहा है उसको दो तीन थप्पड़ लगे तो बंदा रिएक्ट करेगा ना, आग क्या हुआ मैम ये मारे जा रही है और ये गाये जा रहा है। इतना हिलेरियस वो मैम ने मारा क्यों पता नहीं, क्लास में वो आई मैं लंबा सा दिखा बोला यही होगा, सबसे सामने खड़ा था इतना हिलेरियस वो पिक्चर था ना, मैं हंसे जा रहा हूँ उधर खड़ा मार रही और ये प्रेयर किए जा रहा कितना डेडिकेशन था इसका प्रेयर का। बीना मैम हमारी फेवरेट थी। मैंने बोला मैम आपने बहुत मारा था मेरे को, हाय हाय मैंने मारा था। जय जवान से खा के हम निकल गए, सामने जा रहे हैं सामने ही स्कूल है तो एक बार दर्शन कर ही लेते हैं स्कूल का भी। होता है ना कि आप कई जगहों को देख के सोचते हो कि यार एक टाइम पे कितना हलचल कितनी बातें होती थी यहाँ पे, लेकिन अब सुनसान ऐसा ही लगता है यहाँ। कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट थिंक सो मच, जहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं वहाँ जाके, बस शांति से ऑब्जर्व करते हो फील करते हो उस जगह को। वैसा ही स्कूल आने से होता है और ये स्कूल के जो सामने वाली सड़कें सब यहाँ पे होता है। बारिश का मौसम है जगह जगह कीचड़ है, मुझे डर लग रहा है मेरा पैर ना फिसल जाए। ये रहा पूरा स्कूल, मतलब उधर की तरफ है, यहाँ सारी बसेस खड़ी होती थी इधर भी और उधर की तरफ भी। चले क्या दोस्तों फिर से अंदर? तुम लोगों को वो ये पार्ट याद है जब नीचे मार्बल नहीं था, म्यूजिक था और ये दरवाजा में ऐसे ऐसे था, यहाँ पे इसका पेड़ था, पेड़ का पेड़ था यहाँ पे पुचका वाले यहाँ बीच में आइसक्रीम वाले, वो टिफिन टाइम होता था। हाँ हमने नहीं खाया, तुमने खाया? पुचका नहीं खाया पता नहीं भाई,
अजीब लगता था। मूविंग आउट ऑफ प्रिंसेप घाट। अरे तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं स्कूल और प्रिंसेप घाट वाले एरिया से और जा रहे हैं टुवर्ड्स हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स एक एरिया है इस साइड कलकत्ता के इस साइड में। सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, हमारी बस इधर से ही आया करती थी सामने से, इस रोड से आती थी सुबह सुबह और उधर से जाती थी, तो हम बस से ये सारे नज़ारे देखा करते थे हर दिन 12 साल। तो दोस्तों ये था एक कैंडिड टाइप का व्लॉग विद ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लग रहा है आपको व्लॉग देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों व्लॉग्स तो और बनते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे इस चैनल पे। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी पोस्ट होते रहते हैं, इस चैनल पे भी वीडियोस आते रहते हैं। आपको अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं अल्फा वेजिटेरियन का भी लिंक आई बटन और एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।